गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में है अपने पास एक पावरफुल एम्पलीफायर जो कि है 200 वोट स्टीरियो, और इसके अंदर क्या कुछ लगा है और इसको देख के ना आप एक अपना एम्पलीफायर बना सकते हो घर के अंदर ही बैठ के। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, और इस एम्पलीफायर के अंदर जो जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी की सारी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई वीडियो में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारा मेन जो पार्ट है इसके अंदर वो है ये बोर्ड जो कि 200 वोल्ट का स्टीरियो का है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं वो हैं 2SC5200 तोशीबा के, और यहाँ पे एक 2SA1943 ये भी तोशीबा का ही है। उसके बाद इसके जो मेन सप्लाई के अंदर देख सकते हो 10,000 माइक्रोफेड और 50 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं जो कि फ़िल्टर कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे एक रेक्टिफायर है, और ये जो वायर हैं गाइज ये हैं स्पीकर की आउटपुट, और ये है दिस इज़ द ग्राउंड, यहाँ पे ये ग्राउंड यहाँ पे अटैच हो गया, और ये है सेकेंड वायर फॉर स्पीकर। ट्रांसफॉर्मर इज 30 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे दिस कनेक्टर फॉर इनपुट 200 वोल्ट के जो अपना ये बोर्ड है स्टीरियो इसके लिए ये है इनपुट राइट और इनपुट लेफ्ट। तो यहाँ पे एक ग्राउंड यहाँ पे अटैच हो चुका है, तो इस साइड में ग्राउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें खाली ये सिग्नल के लिए इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पे है एक अपना प्री एम्प बोर्ड जो कि वेजिटेबल बोर्ड भी बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर लगी है अपनी JRC 5532 की IC, ठीक है। और प्री एम्प को चलाने के लिए यहाँ पे लगा है एक 12012 का 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर जो कि यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट है। उसके बाद ये हैं सिलेक्टर्स यहाँ पे देख सकते हो, और ये है RCA सॉकेट। तो RCA सॉकेट के कनेक्शन यहाँ पे मैंने इसमें कर दिए हैं सिलेक्टर में, तो इसको जब हम पुश करेंगे तो ये मतलब ब्लूटूथ पैनल से चलेगा, और इसको जब प्रेस करेंगे तो ये USB से RCA सॉकेट से चलेगा, ठीक है। और ये है हमारी ब्लूटूथ पैनल, ये है ब्लूटूथ जिसकी जो पावर है यहाँ पे 5 वोल्ट से ये चलता है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ जुगाड़ मैंने किया है यहाँ पे 7805 लगा के IC। तो यहाँ पे ये फ़ैन की सप्लाई और 7805 की सप्लाई मैंने इसी के ऊपर बना रखी है, तो यहाँ से ये इसके अंदर आउट हो गई, यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे और इसकी जो ये आउटपुट है ये मैंने यहाँ पे इस सिलेक्टर के ऊपर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटा सा हिसाब किताब है, और इसकी साउंड टेस्टिंग भी अभी करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे इसकी जो साउंड है वो किस तरीके की है। और यहाँ पे हम माइक लगा सकते थे बट माइक के जो सर्किट है माइक सर्किट है वो अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो माइक तो हम लगाते ही नहीं है किसी भी एम्पलीफायर में, ठीक है। यहाँ पे लगेगी एक अपनी LED, तो इसको अब ऐसे के ऐसे टेस्ट करके देखेंगे भाई कि इसकी जो साउंड है वो किस तरीके की आएगी। तो गाइज़ ये अपना एम्पलीफायर नीचे आ चुका है, अभी हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे जो कि स्पीकर की है लेफ्ट राइट, और हम पहले इसको 15 इंच पे ही चला के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो गाइज़ इसको मैंने कर लिया स्पीकर को यहाँ से कनेक्ट, तो इसकी वायर को लगा लेंगे। तो वायर यहाँ पे लगेगी, तो वायर लगने के बाद देख सकते हो फैन ऑन हो चुका है, यहाँ पे ये भी ऑन हो चुका है, और अभी हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे, ठीक है। तो सॉन्ग हम चलाएंगे यहाँ पे NCS का, तो शुरू वाला ही प्ले कर लेते हैं। तो ये भाई एड वाले ना पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं, तो और देखते हैं इसमें भी आ गई भाई एड, तो चलो इसको स्किप कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे
हम वॉल्यूम अप करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो अभी कोई साउंड नहीं आ रही क्योंकि ये मैंने प्रेस कर रखा है। तो इसको मैं एक बार फिर से प्रेस करूँगा तो देखो क्या आई है ना साउंड इसके अंदर। साउंड काफी अच्छी साउंड है। कुछ इसकी साउंड टेस्टिंग है गाइस, तो आपको कैसी लगी मेरे को बताना जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में।